कर्नाटक में हिजाब बनाम भगवा की लड़ाई में अब दलित छात्र भी हिजाब के समर्थन में उतर गए हैं और इस पूरे विवाद ने एक और नया रंग ले लिया है। IDSD कॉलेज चिकमगलूर कर्नाटक में छात्राओं को हिजाब पहनने के समर्थन में दलित छात्रों ने कैंपस में नीले रंग की शॉल पहनकर जय भीम के नारे लगाए। दलित छात्रों के इस प्रदर्शन के विरोध में कुछ छात्र भगवा रंग के गमछे पहनकर उन छात्रों के सामने पहुंचे और जय श्री राम के नारे लगाने लगे और मामला गर्मा गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में नीले रंग के गमछे पहने छात्र नजर आ रहे हैं जो मुस्लिम छात्रों के समर्थन में आए हैं और जो जय भीम के नारे लगा रहे हैं। वहीं साथ में कुछ भगवाधारी भी छात्र भी वहीं मौजूद हैं, जिसके चलते दोनों ग्रुपों में जमकर हंगामा हो रहा है। आपको बता दें कि मुस्लिम छात्रों के हिजाब पहनने के विरोध में 100 से भी ज्यादा छात्र भगवा रंग का शॉल पहनकर पूल में चले आए थे, जिसके बाद मामला और बिगड़ गया था। लेकिन अब दलित छात्र भी नीला शॉल ओढ़े भीम के नारे लगाते भगवाधारी छात्रों से भिड़ गए। वहीं दिनों दिन गहराती ये लड़ाई अब राज्य से निकलकर संसद पहुंच गई है। लोकसभा में IUML सांसद ET मोहम्मद बशीर अब्दुस्मद समदानी और के नवाजकानी ने हाल ही में कर्नाटक के UDP में हुए हिजाब विवाद पर चर्चा की मांग के लिए स्थगन नोटिस दिया है। वहीं कुंडूपुरा के सरकारी PU कॉलेज ने कैंपस में सोमवार को मुस्लिम छात्रों को हिजाब पहन कर आने की अनुमति दे दी है। साथ ही ये नियम भी लागू किया है कि वे अलग क्लास में बैठे, लेकिन छात्राएं इससे खुश नजर नहीं आ रही हैं। कॉलेज के प्रिंसिपल रामकृष्ण जीजे ने कहा कि कॉलेज गेट के बाहर भीड़ को खत्म करने के लिए फैसला लिया गया है, लेकिन अब उन्हें क्लासेस में जाने की अनुमति तभी मिलेगी जब वह हिजाब हटा देंगी। हालांकि इन स्टूडेंट्स ने ऐसा करने से मना कर दिया। कर्नाटक हाई कोर्ट मंगलवार को हिजाब से संबंधित रिट याचिका पर सुनवाई करने वाला है। कर्नाटक हाई कोर्ट 8 फरवरी को इस मामले की सुनवाई करेगा। इस खबर में सिर्फ इतना ही, वहीं ऐसी और भी खबरें पाने के लिए MIM News Express को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें।